हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है जियोनी F10। तो आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और साथ साथ रिव्यू भी करेंगे, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको फ़ोन परचेज करना चाहिए या नहीं। तो पूरी देखें वीडियो को इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हमारे को कुछ इस टाइप से बॉक्स मिल जाएगा, और अंदर की तरफ हमारे को एक वाइट कलर का इसमें बॉक्स मिलेगा जो कि स्लाइड करके बाहर आया है, और पीछे की तरफ हमारे को दो सील मिल जाएंगी जो कि ब्रेक हुई हुई है, मैं खोल चुका हूँ। और साथ में आप कुछ इस टाइप से वाइट कलर का बॉक्स देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे को एक सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे को कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाएंगी और एक वारंटी कार्ड इसमें हमारे को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे को इसमें डेटा केबल देखने को मिल जाएगी जो कि माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है, तो इसमें हमारे को सी टाइप नहीं मिलती है क्योंकि बजट फ़ोन है। और इसके बाद हमारे को इसमें एक चार्जर मिल जाएगा जो कि है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर का, और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है इस फ़ोन के हिसाब से, ठीक ठाक चार्जर है, सही चार्जर दिया हुआ, ज़्यादा ना हैवी है और ना ही ज़्यादा स्लो चार्जर है, तो ठीक ठाक आपकी 1-1.5 घंटे के अंदर कर देगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर और तो कुछ नहीं मिलता, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली बॉक्स है। तो चलिए फटाफट से जितना भी सामान है इसको करता हूँ साफ, फ़ोन को बूट। तो बूट करने से पहले मैं बता दूँ कि फ़ोन जो है कुछ इस टाइप से हमारे को बैक लुक देखने को मिल जाएगा, मतलब कि शाइनिंग ब्लैक कलर का हमारे को मिल जाएगा, और देख सकते हैं जो पीछे है वो प्लास्टिक मोड में हमारे को, मतलब प्लास्टिक मिल जाएगा पॉलीकार्बोनेट। और नीचे की तरफ अब आप देख सकते हैं आपको वहाँ पर स्पीकर मिल जाएगा, और साथ ही साथ जियोनी की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और इसके बाद ऊपर की तरफ बात करें तो बीच में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, और इसकी भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। और ऊपर की तरफ आपको साइड में मिल जाएंगे ड्यूल कैमरा, और साथ में उसके मिलेगी आपको एक LED लाइट। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको सबसे ऊपर की तरफ मिल जाएगा रिसीवर, और कैमरा देख सकते हैं आपको डॉट नॉच में, मिडिल में आपको कैमरा मिल जाएगा। अब भाई ऊपर की तरफ बात करें तो भाई इसमें आपको ईयरफोन जैक तो मिल जाएगा, लेकिन भाई बॉक्स में ईयरफोन नहीं मिलेगी यार, पता नहीं क्या दे रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या कर रखा है भाई। और नीचे की तरफ बात करें तो भाई नीचे की तरफ आपको इसमें मिल जाएगा USB जैक जो कि एक चार्जिंग जैक है, और साथ में माइक्रोफोन। लेफ्ट वाली तरफ तो हमारे को इसमें कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल प्लेन है। और राइट साइड की बात करें तो इसमें हमारे को मिल जाएंगे पावर की और वॉल्यूम की एक साथ मिल जाएंगे, तो काफ़ी हैंडी हो जाता है। और जियोनी के सभी मॉडल में एक ही तरह का हमारे को इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब मैं एक बार आप बूट करने से पहले मैं बता दूं भाई इसकी जो सबसे बेकार मुझे चीज़ लगी है कि ये देखो, अब जो लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं तो उसमें आपको पता ही होगा कि इनबिल्ट सब कुछ बैटरी वगैरह इनबिल्ट मिलती है, और देख सकते हैं आप इसमें देखना यार, मतलब अलग से बैटरी दी हुई है। तो ये मुझे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगी कि यार इस ज़माने में भी अगर बैक कवर खुलने वाला फ़ोन इन्होंने लॉन्च किया है तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए। और देख सकते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी जो है हमारे को इसमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं पीछे से कुछ इस टाइप से है जो कि ओपन है, और ऊपर की तरफ आप सिम वगैरह इसमें डाल सकते हैं, ड्यूल सिम और मेमोरी कार्ड इसमें आप डाल सकते हैं। अब भाई चलो फटाफट से करते हैं इसको बूट। तो जब तक के लिए बूट हो रहा है मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई ठोक दो लाइक, जो ऐसा बटन है ना लाइक का उसको नीला कर दो, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। और भाई मैं सही में बता रहा हूँ कि अगर आप ये वाला फ़ोन लेना चाह रहे हो ना तो भाई रहने दो, इससे बढ़िया जियोनी का F9 ले लो, वो इससे बढ़िया था। अभी दिखाता हूं मैं इसका सब चीज टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम कैमरे की बात करें तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं वहां पे आपको कैमरा मिल जाएगा, और डॉट नॉच कैमरा है। अब भाई स्क्रीन, इसमें एक चीज मेरे को अच्छी लगी है, जो इसकी स्क्रीन है ना यार, वो स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, मतलब चलाने में यार बिल्कुल ही बढ़िया मजा आ रहा था। देखो ये चीज़ मुझे इसकी सबसे बढ़िया मतलब लगी है जियोनी में, जो इन्होंने डिस्प्ले दिया है यार, ये थोड़ी स्मूथनेस पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा था, लेकिन स्मूथ आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। चलो भाई फिंगरप्रिंट भी टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं फटाफट फिंगरप्रिंट करता हूँ सेटअप, और जब तक सेटअप हो रहा है तो थोड़ी सी वीडियो कर देता हूँ मैं फास्ट। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, मैं फिर से कह रहा हूँ। और भाई एक मेरे फ्रेंड का गेमिंग चैनल है, अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वहाँ पर वो पबजी की स्ट्रीम वगैरह करते हैं, लाइव प्ले करते हैं, पबजी की वीडियोस डालते हैं। अगर आप पबजी की वीडियोस गेम प्ले देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार चैनल को चेक कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हो चुका है फिंगरप्रिंट सेटअप, तो चेक करते हैं फटाफट। टैप और ये ओपन, टैप
भाई बहुत ही ज्यादा। देखो फिंगरप्रिंट भी यार कितना ज्यादा स्लो है, फिंगरप्रिंट मतलब हद है यार इतना। मतलब जियोनी का क्या है यार, मतलब मॉडल अपग्रेड किया है और अपग्रेड में भी यार इतना स्लो फिंगरप्रिंट। चलो फेस अनलॉक टेस्ट करते हैं भाई। भाई खुल ही नहीं रहा यार फेस अनलॉक भी। भाई मैं बताता हूँ हो क्या रहा था, मैं अगर इसको रोशनी की तरफ लेके जा रहा था तो यह इजिली खुल रहा था, और अगर मैं इसको भाई अंधेरे की तरफ रोशनी से हटा के खोल रहा था तो भाई बिल्कुल एकदम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। तो भाई मेरे हिसाब से मनी वेस्टेज। भाई इसके बाद कैमरे की बात करें तो चलिए फोटो क्लिक कर देखते हैं। भाई कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत चेंज तो नहीं करी, बिल्कुल जैसे F9 में था वही क्वालिटी का कैमरा है, इसमें कोई 19-20 भी फर्क नहीं है। और कुछ मैंने सैंपल इमेजेस हैं तो आप भी देख सकते हैं, शॉट सही ठीक ठाक है, कैमरा कोई इतना ख़राब नहीं था। बाकी भाई अब आप इसमें प्राइस भी देख सकते हैं, मैंने 7,500 रुपये का लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, तो आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को परचेज़ करने की बिल्कुल भी। भाई अब इसमें रैम की बात करें तो हमारे को इसमें 3 GB रैम मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं पाइपर ये वर्क करता है जो कि एंड्रॉयड 9 है, और कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है बस। इसमें मैं जो और कुछ ज़्यादा तो मैं बताने नहीं वाला क्योंकि भाई फ़ोन बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया, और अगर आप परचेज़ करने वाले थे तो भाई मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया है आप F9 Plus में से कोई सा एक चूज़ कर सकते हैं, और इस फ़ोन को मत ही लें तो बहुत सही रहेगा। तो भाई चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी की एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ वीडियो को यार लाइक करके जाना प्लीज़। सो मिलते हैं इसकी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।